अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं स्पेशली ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए बना रही हूँ। इस वीडियो में हम आपको सूट से साइज़ लेने का तरीका बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस हों वो आपको साथ के साथ मिलती रहें। ये हमारे सामने एक शर्ट है जिसको मैंने काउंटर पे रखा हुआ है। अब हम इसका साइज़ लेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ को देखेंगे। लेंथ जो है वो हमेशा यहाँ से मेजर की जाती है, इस साइड से नहीं, इधर से की जाती है। ये हमने यहाँ पे ये रखा। और ये इसकी लेंथ आ रही है 38, ये आपके सामने। ठीक है, अब हम इसका चेस्ट का साइज़ लेंगे, सारी फिटिंग का ओवरऑल। कपड़े को बिल्कुल भी खींच के नहीं आपने मेजर करना, वो फिर फिटिंग में इशू आता है। नॉर्मल कपड़े को ऐसे बिछा दिया और यहाँ से हम ये साइज़ ले रहे हैं। ये देखें नॉर्मल, ये देखें ये 24 आ रहा है। यहाँ इस किनारे से मैंने स्टार्ट किया और इस किनारे तक हमने इसको एच तक हमने रखा हुआ है, तो ये आपकी आ रही है 24। इसके बाद हम वेस्ट को देखेंगे। वेस्ट का साइज़ है जी यहाँ से यहाँ तक, ये देखें 22। उसके बाद हिप साइज़, हिप का साइज़ यहाँ से जिस चौक वाली जगह होती है, यहाँ से चौक स्टार्ट होते हैं, यहाँ से लेते हैं, इसको हमने यहाँ रख दिया। और ये आ रही है 25.5, ये देखें ये आपके सामने है। अब हम इसके दामन की लेंगे। दामन का जो साइज़ है वो है 26, ये आपके सामने है। अब हम शर्ट की जो ये साइड लाइन होती है, जो चाक के ऊपर जो ये बंद सिलाई होती है, इसकी हम मेजरमेंट लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि शर्ट की लंबाई छोटी या लंबी होने से ये चाक छोटे हो जाते हैं, लेकिन हम जो नॉर्मली सभी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो ये साइड लाइन को पहनते हैं वो उतनी ही रहती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें आप। अब हम देख रहे हैं ये चाक के ऊपर से हम इसको मेजर कर रहे हैं। ये आ रही है 12.5। उसके बाद हम तीरे की सिलाई लेंगे, सॉरी तीरे का साइज़, इसको यूं हमने बचा दिया। ये इसका तीरा आ रहा है 15 के ऊपर। इसका नेक साइज़ बोट नेक है, ये 9.5 है, 9.5। बोट नेक को हमेशा सीधा मेजर किया जाता है, स्ट्रेट, ये आ रहा है 4, और बैक भी इसकी 4 ही है। अब हम इसके मोड़े की गुलाई लेंगे। ये इसके यहाँ से स्टार्ट करना है हमने, और ये इसके साथ साथ इसको हमने यूँ मेजर करना है। जैसे जैसे गुलाई घूम रही है मैं भी इसके साथ साथ घुमा रही हूँ शर्ट को। ये आ रहा है 12। यूजुअली बहुत से कस्टमर जो होते हैं वो यहाँ से यहाँ रख के सीधा मेजर करके बता देते हैं। इसका साइज़ हमेशा प्रॉपर इस तरह ही है जैसे मैंने ये गुलाई के साथ घुमाया है। उसके बाद आपने ये साइज़ लेना है। यहाँ से 3 इंच की स्पेस छोड़ के आप इसको मेजर कर लें। ये आ रहा है 9 पे स्ट्रेट। अब हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे, 19। ये जो बाजू की आगे से होल है, मोड़ी जिसको कहते हैं, ये 5.5 है। अब आ गई ट्राउज़र की लेंथ, ये है स्ट्रेट ट्राउज़र को यूँ हमने बचा लिया इस तरह। ये इसकी लेंथ आ रही है 37, स्ट्रेट रखें आपके सामने। इसका पैंचा जो है ये भी आपके ऊपर है, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग है, 6 भी होता है, 7, 8, 9, 10, सब टू यू। ये 10 आ रहा है, इसका 10 हमने ले लिया। थाई से कैसे मेजर करते हैं, सब
फ्रंट जो है वो 16.5 है और बैक जो है वो 17.5 आ रही है, ये आपके सामने है। अब हम आसन को देखेंगे। आसन जो है फ्रंट का 15 है और बैक का 17 है, ये आपके सामने। अब इसकी बेल्ट और इलास्टिक का साइज़ कैसे लेते हैं वो आपके सामने बताते हैं। ये इसकी बेल्ट है, बेल्ट आ रही है 11 पे और इलास्टिक 22.5 आ रहा है। ये कंप्लीट हमने आपको सूट से साइज लेने का तरीका बता दिया। इसके अकॉर्डिंग कोई भी आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।